नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस पुराने दुपट्टे से बची हुई ये लेस और इन कुछ बेकार चूड़ियों को यूज करके दो बहुत ही खूबसूरत से तोरण। ये तोरण या फिर बंधनवार इस फेस्टिव सीजन आपके घर को लगा देंगे चार चांद। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट होने के साथ साथ कुछ आसान टिप्स और ट्रिक्स के साथ इन बंधनवार को आप अपने घर पर बहुत ही इजीली और क्विकली बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं इन्हें और शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले तोरण को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ अपना ये पुराना दुपट्टा। इस तरह के कई पुराने दुपट्टे और साड़ीज हमारे पास होती हैं जिनमें की इस तरह की फैंसी लेस लगी होती है। इस दुपट्टे में लगी हुई लेस और इस दुपट्टे को आज मैं तोरण बनाने के लिए यूज करूंगी। तोरण की जितनी लंबाई हमको चाहिए उतनी लंबाई हम लेस पर मार्क लगा लेंगे और उससे 3 इंच छोड़ते हुए इसको हम कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद ग्लू की हेल्प से मैं इसकी साइड्स को डबल फोल्ड करते हुए पेस्ट कर लूंगी। साइड को हमने जैसे फोल्ड किया है उसी तरीके से हम दूसरी साइड को भी फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड्स फोल्ड हो जाने के बाद अब मैं ले रही हूँ अपनी ये कुछ पुरानी चूड़ियाँ। इन चूड़ियों को कवर करने के लिए दुपट्टे में से ही मैं 8x8 इंच के स्क्वायर कट कर लूंगी। इस तरीके के स्क्वायर पीसेस को कट करके इसमें चूड़ी को रखकर जिस तरीके से वीडियो में दिखाया गया है इसी तरीके से मैं इसको पूरा कवर कर लूंगी। बैक साइड से कपड़े को घुमाते हुए मैं पूरी चूड़ी को कवर कर लूंगी और फिर मैचिंग धागा लेकर मैं इसको इस तरीके से इस पे बांध लूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं सीजर से कट कर लूंगी और इसी तरीके से मैं सभी चूड़ियों को तैयार कर लूंगी। सभी चूड़ियों को कपड़े से कवर कर लेने के बाद अब मैं तैयार की हुई लेस को ले लूंगी और लेस में लगभग 5-5 इंच के इक्वल मार्जिन लगाते हुए इन चूड़ियों को मैं नीचे की साइड ग्लू की हेल्प से पेस्ट करूंगी। और देखिए इस तरीके से सभी चूड़ियों को मैंने ग्लू की हेल्प से इसके नीचे पेस्ट कर लिया है। अब ऊपर वाली साइड को फिनिश करने के लिए मैं ले रही हूँ मेरे पास ये बची हुई एक लेस का टुकड़ा। इस लेस को भी हम ऊपर वाली साइड पे ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे। लेस लग जाने के बाद मैं ले रही हूँ मेरे पास रखे हुए कुछ गोल्डन मिरर्स। इन गोल्डन मिरर्स की हेल्प से मैं इन चूड़ियों को डेकोरेट कर लूंगी। तोरण को डेकोरेट करने के लिए आप अपने पास अवेलेबल किसी भी डेकोरेटिव आइटम का यूज कर सकते हैं और इस तरीके से चूड़ी के ऊपर मिरर्स को मैंने पेस्ट कर लिया है। चूड़ियों को डेकोरेट कर लेने के बाद अब मैं ले रही हूँ ये गोटा लेस जो की बहुत ही रीजनेबल होती है और आपको अपने लोकल मार्केट में इजिली मिल जाएगी। गोटा को मैं तोरण के ऊपर वाली साइड में जिगजैग पैटर्न में ग्लू की हेल्प से धीरे धीरे करके पेस्ट करती जाऊंगी। जब ऊपर वाली साइड पे गोटा अच्छे से चिपक जाए तो फिर कुछ गोल्डन मिरर लेके मैं इसको डेकोरेट कर लूंगी। तोरण की ऊपर वाली साइड को मैंने गोटा और मिरर्स की हेल्प से अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। अब नीचे वाली साइड पे चूड़ियों के नीचे हैंग करने के लिए मैं रिबन की हेल्प से कुछ छोटी छोटी मालाएं बना लूंगी। माला बनाने के लिए मैं 60 इंच रिबन कट कर लूंगी और फिर सुई और धागे की हेल्प से सुई को ऊपर और नीचे निकालते हुए मैं माला को बनाऊंगी। इस तरीके की सैटन रिबन की माला जब हम अपने तोरण पे लगाएंगे तो हमारे तोरण को मिलेगा एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लुक। और आप अपने मन चाहा और किसी भी कलर का सैटन रिबन बहुत ही इजीली मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये माला बना ली है। आप चाहे तो माला को ऊपर और नीचे छोटी छोटी मोतियों से लॉक कर सकते हैं। अब इस माला को सुई और धागे की हेल्प से ही मैं चूड़ी के नीचे इस तरीके से लगा लूंगी।
चूड़ी के दोनों तरफ मैंने माला को इस तरीके से सिल लिया है। अब बाकी माला को भी मैं इसी तरीके से चूड़ियों के नीचे लगा लूंगी। आप देख सकते हैं सभी मालाओं के लगा लेने के बाद हमारा तोरण बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक लग रहा है। इसको थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए मैं फिर से गोल्डन मिरर्स का यूज करूंगी। सभी गोल्डन मिरर्स को मैंने अब इस पे पेस्ट कर लिया है। इसके बाद तोरण को हैंग करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये गोटा लेस। गोटा लेस को कट करके इससे हम लूप शेप बना लेंगे। सुई धागे से उसे स्टिच करके तोरण के दोनों साइड और बीच में हम इसको सिल लेंगे। और देखिए लूप के लगते ही तैयार हो गया हमारा ये बहुत ही खूबसूरत सा फेस्टिव डेकोर ट्रेडिशनल तोरण। इस तोरण को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि ये आपने अपने पुराने दुपट्टे और पुरानी चूड़ियों से बनाया है। इसको मैं अब आपको अपने दरवाजे पे लगा के दिखाती हूँ। देख सकते हैं दरवाजे पे लगा लेने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है और ये मेरे घर को दे रहा है एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक। इस तरीके से हम अपने घर पर रखी हुई पुरानी चीजों को बहुत ही खूबसूरती के साथ फेस्टिव डेकोर आइटम बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये आइडिया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरे तोरण को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ये लेस। इस लेस को मैंने अपने एक पुराने दुपट्टे से निकाला था और उस दुपट्टे से मैंने एक बहुत ही यूजफुल साड़ी कवर बनाया था। अगर आप भी वो यूजफुल और खूबसूरत सा साड़ी कवर सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। अपने डोर के हिसाब से आपको जितना भी लंबा तोरण चाहिए उससे 3 इंच एक्स्ट्रा मार्क लगाकर हम लेस को कट कर लेंगे। लेस को साइड से मैं ग्लू की हेल्प से डबल फोल्ड कर लूंगी। इसी तरीके से दूसरी साइड को भी मैं डबल फोल्ड कर लूंगी। जब दोनों साइड से लेस फोल्ड हो जाए तो इसके बाद मैं ले रही हूँ अपनी कुछ पुरानी चूड़ियाँ। इन चूड़ियों के चारों तरफ मैं लेस से मैचिंग ऊन लेकर लपेट लूंगी। एक बार उनसे कवर कर लेने के बाद मैं एक राउंड और उनका ले लूंगी जिससे कि चूड़ी अच्छी तरीके से कवर हो जाए। इसी तरीके से दोनों रंगों से मैं सभी चूड़ियों को कवर कर लूंगी। चूड़ी पर ऊन को लपेट लेने के बाद अब मैं ले रही हूँ ये गोटा लेस। ये गोटा लेस बहुत ही रीजनेबल होती है, आपको अपने लोकल मार्केट में 10-15 रुपए में ही इसका पूरा रोल मिल जाएगा। गोटा लेस को जिस तरीके से वीडियो में दिखाया गया है इस तरीके से मैं चूड़ी पर लपेट लूंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली ये बहुत ही सुंदर सा डिजाइन चूड़ी के ऊपर बन गया है। गोटा लेस को चूड़ी पर लगा लेने के बाद अब मैं ले रही हूँ कुछ डिफरेंट शेप्स के मिरर। इन मिरर्स की हेल्प से मैं कर लूंगी चूड़ी को डेकोरेट। एक एक करके डिफरेंट शेप्स के मिरर को मैं लेस और चूड़ी पर पेस्ट करती जाऊंगी। आप देख सकते हैं मिरर्स के लगते ही ये चूड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी तरीके से मैं सभी चूड़ियों को रेडी कर लूंगी।
जब सभी चूड़ियां मिरर लग के अच्छे से रेडी हो जाए, इसके बाद जो हमारी लेस है मैं ये ले लूंगी और लेस के ऊपर एक एक करके इक्वल डिस्टेंस पे मैं इन चूड़ियों को ग्लू की हेल्प से पेस्ट करती जाऊंगी। सभी चूड़ियों को एक एक करके लेस पर चिपका लेने के बाद अब मैं ले रही हूँ कुछ मिरर्स। इन मिरर्स को मैं लेस की डिजाइन के हिसाब से एक एक करके इनके ऊपर पेस्ट करती जाऊंगी। धीरे धीरे करके अलग अलग शेप और साइजेस के मिरर्स को मैं लेस पर इस तरीके से पेस्ट कर लूंगी। पूरी लेस पर अब मैंने मिरर्स को पेस्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। इसके बाद लेस के नीचे हैंग करने के लिए मैं ले रही हूँ ये एक दूसरी लेस। ये एक पुरानी बची हुई लेस का टुकड़ा मेरे पास रखा था, इसी को यूज करके मैं कुछ हैंगिंग्स बना लूंगी। हैंगिंग्स बनाने के लिए मैं लेस में से कुछ पीसेस कट कर लूंगी और इनमें से मैं काफी सारे स्क्वायर्स बना लूंगी। इसी तरीके से जो हमारी मेन लेस है उसी में से कुछ पीसेस कट करके उसमें से भी मैं 4 स्क्वायर्स बना लूंगी। सभी स्क्वायर्स को बनाने के लिए मैं ग्लू का यूज कर रही हूँ। लेस से सभी स्क्वायर हैंगिंग्स बना लेने के बाद इन हैंगिंग्स को अब मैं जो हमारा मेन तोरण है इसके ऊपर पेस्ट करना स्टार्ट करूंगी। पहले मैं बड़े वाले हैंगिंग्स लेकर इनको आपस में पेस्ट कर लूंगी और इनको तोरण के साइड पे लगाऊंगी। ग्लू की हेल्प से धीरे धीरे करके मैं इन सभी को तोरण के ऊपर पेस्ट करती जाऊंगी। सभी हैंगिंग को मैंने अब तोरण के ऊपर लगा लिया है और आप देख सकते हैं हमारे तोरण का लुक ही चेंज हो गया है। अब हैंगिंग के नीचे लगाने के लिए मैं छोटे छोटे फ्लावर्स बना लूंगी। फ्लावर बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये नेट का फैब्रिक, जिसमें से 1.5 से 2 इंच की चौड़ी पट्टियां मैं इसमें से कट कर लूंगी और फिर सुई और धागे की हेल्प से मैं धीरे धीरे करके इससे फ्लावर्स बनाती जाऊंगी। लगभग 15 इंच लंबी ये पट्टियां हैं, इनको इस तरीके से मैं फ्लावर की शेप दूंगी और इसके ऊपर मैं व्हाइट कलर की बीड्स को इस तरीके से इस पर डाल लूंगी। नेट के फैब्रिक से ये क्यूट से फ्लावर्स बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इन सभी फ्लावर्स को मैं हैंगिंग के नीचे सुई और धागे की हेल्प से लगा लूंगी। सभी फ्लावर्स लग जाने के बाद अब मैं ले रही हूँ कुछ और मिरर्स। इन मिरर्स को मैं हैंगिंग के ऊपर और लेस के ऊपर पेस्ट करती जाऊंगी। मिरर से डेकोरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद तोरण बनकर हमारा बिल्कुल तैयार है। को हैंग करने के लिए मैं गोटा लेस लेकर सुई धागे की हेल्प से लूप बनाकर दोनों कॉर्नर्स और सेंटर पर इसको लगा लूंगी। और आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा तोरण बनकर अब हमारा बिल्कुल तैयार है। कोई भी इसे देखकर नहीं कहेगा कि ये पुरानी लेस और पुरानी चूड़ियों से बना है। और देखिए इसको अपने दरवाजे के ऊपर लगाते ही मेरे दरवाजे की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस तरीके का तोरण अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तो ये आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, लेकिन घर पर कुछ वेस्ट मटेरियल्स का यूज करके हम बहुत ही क्विकली और इजीली बजट फ्रेंडली फेस्टिव डेकोर आइटम रेडी कर सकते हैं। हमारे पास इस तरीके के कई पुराने दुपट्टे और साड़ीज होती हैं जिनको हम यूज नहीं करते, उनसे इस तरीके के लेसेस को निकाल के हम बहुत ही खूबसूरती के साथ तोरण और कई फेस्टिव डेकोर आइटम रेडी कर सकते हैं। तो कैसे लगे आपको ये दोनों आइडियाज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये आपको पसंद आए हो तो आप भी इसको ट्राई जरूर करें। और इसी तरीके के क्रिएटिव, इन्फॉर्मेटिव और बजट फ्रेंडली वीडियोस के लिए ABC ऑफ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।